नमस्कार दोस्तों, आज का जो न्यूज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में एडमिशन लेना चाहते हैं। और यहाँ पर जो न्यूज है, ये इम्पोर्टेंट न्यूज वो है दोस्तों, हम लोग सारा डिटेल जानते हैं। स्नातकोत्तर विभागों में समसत्र 2019-21 में नामांकन से संबंधित सूचना है। और सूचना क्या है, सारा डिटेल जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, विनोबा भावे विश्वविद्यालय कैंपस ने जिन स्नातकोत्तर विभागों में आवंटित सीटों पर नामांकन दिनांक 10/8/2019 तक पूर्ण हो चुका है, उनके शेष आवेदक ऑफलाइन, ऑनलाइन एवं पिछली मेधा सूचिकाओं में नामांकन नहीं करवाने वाले आवेदकों सहित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रसरित नामांकन प्रपत्र प्राप्त कर विश्वविद्यालय के इच्छित अंगीभूत महाविद्यालय के संगत स्नातकोत्तर विभाग के रिक्त सीट पर मेधा के आधार पर 17 से 22 अगस्त 2019 तक नामांकन करवा सकते हैं। दूसरा जो नोटिस है वो है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय कैंपस के जिन स्नातकोत्तर विभागों में आवंटित सीट दिनांक 10/8/2019 तक भरे नहीं भरे हैं, उनके शेष आवेदक पिछली मेधा सूचियों में नामांकन नहीं करवाने वाले आवेदकों सहित रिक्त सीट पर मेधा के आधार पर 17 से 22 अगस्त तक नामांकन करवा सकते हैं। अतः विभागाध्यक्ष प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित सीट में परिनियमानुसार आरक्षण का पालन करते हुए नामांकन लेंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जो भी अभी तक स्नातकोत्तर में एडमिशन नहीं लिए हैं उनके लिए नोटिस है दोस्तों, अगर आपका भी नाम इसमें आया हुआ है, रिक्त सीट में मेधा के आधार पर आपका नाम आया हुआ है, तो आप 17 से 22 अगस्त तक एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों, ये थे आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो अगर आप भी इसके लिए एलिजिबल हो, आपका भी नाम मेधा सूची में आया, तो आप जाके एडमिशन ले सकते हो दोस्तों 17 से 22 अगस्त तक। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।